जयपुर में झूलेलाल मंदिर में दी राजस्थान पान मर्चेंट संस्थान की एक बैठक हुई। संस्थान के संरक्षक गोपाल लाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले के पान व्यापारियों ने भाग लिया और विभिन्न समस्याओं पर अपने अपने विचार रखे। तो वहीं संस्थान के संरक्षक गोपाल लाल शर्मा ने सीएम और चिकित्सा मंत्री से कोरोना काल में पान व्यापारियों को राहत देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पान को तंबाकू गुटखे की श्रेणी में नहीं रखा जाए और पान की दुकानें खोलने की अनुमति दें। उसके अंतर्गत समस्त जयपुर के पान व्यवसायियों के द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए, उन सब पे निर्णय करने के पश्चात दी राजस्थान पान मर्चेंट संस्था का संरक्षक गोपाल शर्मा, आपसे अनुरोध करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से और स्वास्थ्य मंत्री जी से कि जो हमारे यहाँ पार्लर और सैलून को चालू किया गया, उसी प्रकार से हमारे पान व्यवसायियों को भी पान लगाने की अनुमति प्रदान की जाए एवं पान गुटखा और धूम्रपान को अलग से रखा जाए और इस पर पाबंदी लगाई जाए। हम सर्वसम्मति से इस निर्णय के लिए तैयार हैं और हाथ जोड़ के और करबद्ध प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से और स्वास्थ्य मंत्री के रघुजी शर्मा से कि हमारी इस गुहार को सुनी जाए। देश के अंदर करोड़ों रुपए का व्यवसाय पान का जो होता था वो आज आघात और समाप्त हो चुका है। दो माह से समस्त पान व्यवसायी एक पीड़ा से गुजर रहे हैं, इसलिए आज से पुनः विनम्र निवेदन है कि